Oh God, I hope it's okay, yaar. Serves you right. Mummy ko pata hai ki aap school mein toys leke aate ho. Nikki, this is not a toy. It's a gizmo. Remote control car ke upar dictaphone. Agar kisi ki baat sunni ho, ya fir kisi ko kuch sunana ho, to bas ye dictaphone ke remote control ka button dabao. Wow, ye to bahut acha hai. Isse hum Pantu ko gift karenge. Pantu? Kaun Pantu? Meenakshi aunty ka beta, jiske birthday pe hum aa jaane wale hain. Wo 10 saal ka bachcha, uski kiddy birthday party pe main kyun jaunga? Bhaiya, mummy ne hum dono ko jaane ke liye bola hai. Yeah, yeah, right. Tum ja. Main aur wahan kabhi nahi. Stop it, yeah. Ishan, it's not polite. हम दो घंटे में वापस आ रहे हैं ना और वैसे भी निकी के बर्थडे पर बंटू आया था ना. हाँ तो हम निकी जाए ना, मैं क्यों? ईशान, कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा. दो घंटे पहले मैं पंटू की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी कि अचानक तुम से आ रही हो. कौन है? पंटू? हाँ मम्मी. तुम नीचे? हाँ मम्मी. ऊपर कौन? कुछ नहीं मालूम. समझ में नहीं आ रहा है. वो खिड़की से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि खिड़की अंदर से बंद थी. कहां से आया, कहां गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बस गायब. गोपी, पुलिस को बुलाओ जल्दी. पुलिस को? हाँ. You mean invisible? नीनो, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने प्यारे कंगन, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे, सब चले गए. यही वो कमरा है जहां चोरी हुई थी, है ना?
ये तो किसी बहुत लंबे आदमी के पैर का निशान लगता है। कानूनी एविडेंस को हाथ मत लगाओ। सर वो तो हम ऐसे ही देख रहे थे। क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे? 2020 क्रिकेट का मैच चल रहा है। चड़ा, चड़ा। अरे चोरी हुआ है, चोरी कंबाला में। मेरा ट्रांसफर होने के बाद ये पहला केस है। डीएल कुलकर्णी, इंस्पेक्टर डीएल कुलकर्णी, छोड़ूंगा नहीं उनको। जाओ बच्चे हो, जाओ गार्डन में जाओ और सी सॉ पे खेलो। हाँ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ओके अच्छा बच्चा नहीं हूँ तो कौन हो? डिटेक्टिव हो? शेरलॉक होम्स हो? गोपी चंद जासूस हो? वो हाथ पे क्या है तुम्हारे? दे दो, दिखाओ दिखाओ। ये बस यहाँ पड़ा मिला तो ऐसे। अच्छा अच्छा एविडेंस के साथ खिलवाड़। सेक्शन 142 के तहत अंदर कर दूंगा। दे दो मुझे, जरूर उस चोर का होगा। हाँ श्योर। अरे वो टेरेस पे कौन है? कौन है? ए, कौन है? कौन? कोई नहीं। क्या हुआ? कौवा था। कौवा? देखो यूज़लेस, कौवे से डरते हो। तुम्हारा कराटे क्लास है आज? ये क्या है? ये वही पेज जो हमने उस चोर की डायरी से पढ़ा था। लेकिन आपको कैसे पता कि ये चोर की डायरी का ही है? क्योंकि मैंने उस इंस्पेक्टर को ये डायरी मीनू आंटी को दिखाते हुए देख लिया था और मीनू आंटी ने कहा था कि ये डायरी उनकी नहीं। दैट मींस ये डायरी ऑब्वियसली उसी चोर की होगी, क्योंकि मुझे ये डायरी मिली भी पैरों के निशान के पास से थी। के पहले वाले पेज पे जो लिखा था उसका आउटलाइन, गोल चक्की। गोल चक्की? ये गोल चक्की क्या है? शायद कोई जगह। आई थिंक आई शुड आस्क हिम, जिसे कंबाला के हर पते की बात के पते का पता पता है। पता है कौन? आपका क्लासमेट फरहान। बेटा ये हरी वाली टेकड़ी कहाँ है? कहाँ जाना है आपको, सूर्ति फार्म हाउस या गुप्ता बंगलोज? अरे हाँ हाँ वही गुप्ता बंगलोज। एडवोकेट गुप्ता से मिलना है या उसके बेटे डॉक्टर गुप्ता से? आप डॉक्टर गुप्ता? अच्छा हाँ। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधे चले जाइए। हाँ। फर्स्ट राइट छोड़ के सेकंड राइट पे टर्न। ओके। वहाँ पे वीर सिंह ग्वाले की 2 बकरियां और 4 गाय चर रही होंगी। गो पास देम राइट। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड पे कंबाला केमिकल्स का एक ग्रीन साइन आएगा, जिसके ठीक डायगनल में एक बरगद का पेड़ होगा। बस उस बरगद के पेड़ के आगे से राइट लीजिए और अपहिल चले जाइए। आपके लेफ्ट हैंड पे फिर एक रॉयल ब्लू कलर की खटारा फियट खड़ी होगी, जिसके चारों टायर पंचर। तुम्हें क्या मैं ही मिला हूँ मजाक करने के लिए? चलो ड्राइवर चलो। अरे मैं तो आपको एड्रेस बता रहा था। अरे अरे रोहित पूरे प्लान को।
फरहान, व्हाट्स अप डूड? हाय। अरे यार फरहान, ये गोल चक्की कहाँ है कंबाला में? ये तो गॉर्डन रोड पे है। तुझे दास मुंशी अंकल की एक्मे ग्लास फैक्ट्री पता है? उसी का पुराना नाम है गोल चक्की। वहाँ पे एक आटे की चक्की हुआ करती थी 1950s में। तू एक काम कर, यहाँ से सीधे दूर है। अरे बस यहीं पे। तो तू यहाँ पे चोर पकड़ना है, शेरलॉक होम्स? अब तू मत स्टार्ट हो यार। ये क्या है? जैकेट निकाल। साइज 12 का जूता लगता है। सेम प्रिंट मीनू आंटी के घर के बाहर भी था। डूड, आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बी वेयर ऑफ डॉग्स। ए रुक रुक रुक, भागो मत भागो मत, वरना पीछे आ जाएगा। इधर इधर को है क्या तेरे पास? खाने को? हाँ, देखता हूँ। चुइंगम, चुइंगम। ए गुड डॉगी, गुड डॉगी। ये इसको देख, इसको ये देख, ये गुड वन यार। अब सारा दिन यही करूं क्या? वापस आएगा वो लेके। देख आ गया, चल चल चल। बड़े-बड़े पैर। That means he's a big guy. दूसरी चोरी। कर्नल दुकर। ये तो सूची था ना मेरे। कौन हो तुम लोग? जल्दी बताओ, नहीं तो बाकी के कुत्ते भी छोड़ दूंगा। अरे बॉस, वो हम तो अब तो क्रिकेट खेलने आए थे, बॉल अंदर आ गई तो ढूंढने अंदर आए। तो बॉल कहाँ है? बॉल कहाँ है? आप ढूंढने दोगे तो बताएंगे ना। कोई बॉल नहीं मिलेगी तुम लोगों को, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। चलो पहली टाइम यार। सिक्योरिटी गार्ड के जूते देखे तूने? हाँ, सेम साइज 12। लेकिन क्या वो सोल का पैटर्न वही था जो उस घर के बाहर मिला था? हाँ, लेकिन हमें मीनाक्षी आंटी के घर एक बार फिर से जाना चाहिए, शायद कुछ क्लूज मिल जाए। यही कमरा है। पुलिस को इस कमरे से क्या क्या क्लूज मिले? ऐसा कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला उन्हें, लेकिन एक चीज है। ये उसी का है। इतना बड़ा हाथ और बड़े बड़े पैर।
That means he's a big guy. लेकिन ये रंग इसी पाइप से चढ़ के ऊपर आया था। इस पाइप से? लेकिन वो अंदर कैसे आया होगा? खिड़की तो अंदर से बंद थी। बारा सा इसका जूता है। I think चोर जल्दी मिल जाएगा आंटी। इतने बड़े शूज़ साइज़ के लोग कम ही होते हैं। Anyway, thanks आंटी। करे थे आपको चोर मिला मैं तुम्हें क्यों बताऊं नहीं हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे सर वैसे हमने आपका बहुत नाम सुना है सर बॉम्बे में आपने क्या-क्या केसेस सॉल्व किए सर आई एम श्योर आपके होते हुए ये केस जरूर सॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली वैसे बेस्ट ऑफ लक सर यू आल्सो टेक केयर यार ये कौन है नया इंस्पेक्टर टीएल कुलकर्णी जिस तरह से हाँप रहा है, DL must be short for दम लगा के। Perfect name है यार एकदम। अरे वो उसके belt में क्या है? Walkie talkie, जिसका talk button on है, ताकि हम इस वाले से उनकी सारी बातें सुन सकें। चल। Hello, Mrs. Mathur. वैसे मैं बस सिर्फ इतना पूछने आया था आपसे कि उस दिन के चोरी के बाद और कुछ तो नहीं हुआ ना? Of course not. चोर दोबारा आएगा दूसरी चोरी करने। You're right. Hello, Mr. Mathur. वैसे मैं आपका केस एकदम closely follow कर रहा हूँ। कुछ लोगों को round up भी कर लिया है। Hello? What? दूसरी चोरी? I'm sorry, Mrs. Mathur. मुझे फौरन निकलना होगा। और एक जगह चोरी हो गई है। किधर? वो वालचंद रोड पे कर्नल दुग्गर के यहाँ मैं वैसे ये शायद आपका है वालचंद रोड कर्नल दुग्गर ये तो सूची दा का घर है यही है सूची का घर पर वहां लॉन में कौन है ए, ए! चल इसका पीछा करते अरे पर ये बाइक को पकड़ेंगे कैसे ये मिट्टी का ट्रेल दिख रहा है हाँ जहां तक जाता है वहां तक चल देख के नहीं चला सकता क्या? Wrong side से मैं आ रहा था कि तू, damn, मेरी बाइक आज अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ने वाला था मैं अपनी स्पीड का। तेरे रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में मेरी कोनी टूट गई। अरे यार, रोहित, तूने कोई ब्लैक मोबाइल यहाँ से जाते हुए देखी? हाँ, देखा, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। अरे बता, हम लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा।
तुझसे दूर तो कोई भी भाग जाए. Now let me go, guys. मुझे अपना स्पीड रिकॉर्ड खत्म करना है. On your marks, get set, go. अरे रोहित, अबे रुक यार. भगोड़ा कहीं का. अब. Dead end, yeah. फरहान, ये चोर तो सच में इनविजिबल निकला. एक काम करते हैं, लेट्स रिवाइंड. सुचेता दुग्गर के घर. तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए? नहीं नहीं, हम आपसे मिलने नहीं आए, हम हमारी दोस्त से मिलने आए. इसके पीछे भी कोई सेक्शन है क्या? नहीं नहीं. आंटी, सूची कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी. जब से चोरी हुई है वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली. बेचारी बहुत डरी होगी. पुअर थिंग. आंटी, हम लोग उससे मिल सकते हैं? हाँ, अपस्टेयर्स टू द राइट. हाय सूची. हाय. ये मेरा दोस्त है, मेरी ही क्लास में, ईशान. हाय. हाय. तुझे देख के लगता नहीं कि तेरे घर में अभी-अभी फ्रेश-फ्रेश चोरी हुई है? घबराने के लिए टाइम कहाँ है? I have to find out who it is. Invisible thief. हाँ. इंटरनेट पे रियल केस रॉबरीज की हिस्ट्रीज देख रही हूँ. इनविजिबल थीफ के बारे में कुछ तो कनेक्शन हो जिससे मैं उसे ढूंढ सकती हूँ. पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इनविजिबल है? तुम्हें भी लगेगा आफ्टर यू हियर व्हाट हैपेंड. ऊपर कोई है? कोई भी नहीं. पर वो आवाज आपके बेडरूम से आई ना? कोई है ऊपर? Can we see the room? This is the room, guys. ये footprints तो उस पुलिस वाले के हैं. Oh. सेम साइज. वही जो मिसेस माथुर के घर के बाहर मिला था. आई थिंक ये वही थीफ है. तुम लोग वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? बस ट्राई कर रहे हैं. लेट्स सी. बॉस, आई तो कांट सी एनीथिंग. इस रूम में एक ही डोर है जहां से ये और इसकी मॉम अंदर आए. किसी को देखा भी नहीं और एक आदमी के होने के सारे साइंस इस रूम में. खिड़की पर ग्रिल,
पर वो अंदर आया किधर से होगा और बाहर कैसे गया होगा? लॉन में बैठे कार्पेंटर ने भी कुछ नहीं देखा। यार अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वो इनविजिबल ही है। इम्पॉसिबल, वो बाइक वाला तो विजिबल था ना। कौन बाइक वाला? गाइस लेट्स गो डाउन। जूतों के ट्रैक्स तो सेम है। हे, ये देखो, ये दोनों बेरीज जूतों के नीचे कुचले गए। ये वाला तो ड्राई है और ये स्टिकी, समझे? Oh, come on, guys. इसका मतलब ये है कि ये निशान एक घंटे पहले का है जिसमें ये बेरी सूख गया और ये एकदम फ्रेश, बेरी और फुटप्रिंट्स भी। गुड वन सुची। इसका मतलब है कि वो चोर यहाँ से चोरी करके गया और फिर वापस आया। पर वो वापस आया क्यों? शायद कुछ भूल गया होगा। लेट्स सी। मुश्किल से छह होगा यार। गन का मार्क सीम्स लाइक अ बिग वन यार। ये गन का निशान है या किसी और चीज का? Let's find out. No matches found. तुम्हें क्या हर सोल्यूशन इंटरनेट से मिलते हैं? सोल्यूशन तो नहीं लेकिन मदद तो जरूर मिलती है। I don't get it. दो चोरी, दोनों एकदम बंद कमरों में और दोनों में विटनेसेस ने कुछ नहीं देखा। ना कोई एंट्री ना कोई एग्जिट। यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड राइट इट ऑल डाउन। सुचि बेटा, आई नीड दिस रूम। सारे डोर्स पे डबल लॉक्स लगाने हैं। वी कांट टेक एनी मोर चांसेस। लेकिन मॉम, हम नथिंग डूइंग। गुप्ता जी, आप इसको चेंज करिए, यहाँ डबल लॉक लगाइए। सॉरी गाइस, कांट वॉक हियर एनीमोर। मेरे पास एक सही जगह है जहाँ ना कोई हमको डिस्टर्ब करेगा और ना हम किसी को। Wow, यार, cool place. This is awesome. मेरे डैड का वेयरहाउस है। आजकल बंद है तो मैंने अपने पढ़ने लिखने का हैंगआउट बना लिया। Cool. चलो, let's get to work. Yeah. Clues क्या है? बारह नंबर के जूते, हाँ, बड़े बड़े हाथ और खांसी और गोल चक्की से कुछ कनेक्शंस। काली मोबाइल और गंजे से कुछ हथियार। That's all I think. Great. कोई suspects? सबसे पहले तो वो गोल चक्की का सिक्योरिटी गार्ड और मीनाक्षी आंटी का नौकर गोपी, फिर तुम्हारा ड्राइवर और कारपेंटर। कारपेंटर नहीं हो सकता क्योंकि चोरी के वक्त नॉन स्टॉप उसकी लकड़ी ठोकने की आवाज आ रही थी। और ड्राइवर, I don't think so, yaar. He wouldn't do something like that. बहुत पुराना है। ठीक है, लिख लेती हूँ। Clues और suspects ठीक है। कोई witnesses? हाँ, वो रोहित। रोहित? कौन? वो school racing champ? हाँ, वही। उसने bike वाले को देखा था। क्या देखा? पता नहीं। वो फरहान से थोड़ा गुस्सा था। इसलिए बताया नहीं। You know what, guys? I think अगर हम इस केस को separately follow करें ना, then we can move faster. तुम गोल चक्की के गार्ड को मिलना और ईशान, तुम मिसेस माथुर के सर्वेंट को। मैं रोहित से मिलती हूँ। यार, वो गोपी से मिलके कोई फायदा नहीं है। एक तो वैसे ही वो 5.5 फुट का है।
और उसके पैर का साइज तो मुश्किल से 6 होगा यार। निकी, my kid sister, big pain. What pain? कब से बोल रही हूँ? मैं भी mystery solve करूँगी. You're so young, तुम यहाँ हमारे साथ. Hi, सुची ना? मैं तुम्हें रोज़ school में देखती हूँ. I think next year तुम ही head girl बनोगी. I too will vote for you. मुझे भी help करने दो ना, please. तुम हमारी help करना चाहती हो ना? तुम एक काम करो, घर जाओ और हमारी help करो. ये जूते कहाँ से लाई? वो परफेक्ट शू शॉप है ना, उसके खराब स्टॉक में पड़े थे तो मैंने उठा लिए. दिखाओ. नहीं, ये वाले नहीं. एक मिनट, हम लोग परफेक्ट शू शॉप चलते हैं. वो कंबाला का मेन शॉप है, उसे पता होगा कि कंबाला में 12 साइज के शूज कौन पहनता है. गुड आइडिया, मैं वहां चलती हूँ. एवरीबॉडी एल्स, यू ऑल नो व्हाट टू डू, राइट? एक्सेप्ट मी. Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, आपके दुकान में 12 नंबर के जूते हैं? हाँ है, क्यों? हमारे को पैरवानो छे. नहीं नहीं, मुझे बस पूछना था कि आपके दुकान में रिसेंटली कोई कस्टमर आया है जिसने 12 नंबर के जूते खरीदे हैं? तुम्हारे को जूता खरीदने का है? नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि धंधे का टाइम है, मेरा काम खोटी मत करो. मेरे पास फालतू जवाब देने के लिए टाइम नहीं है. गोपी से मिलके कुछ फायदा ही नहीं है. चोर के जूतों का साइज देखो, और उसका साइज तो यार मुश्किल से 6 होगा. भैया, मेरे पैर का साइज भी तो 6 है ना. भैया, कोई आ रहा है. Thank you.
चुप करो फास्ट निकल। अगर तुम हमें 12 साइज का जूता पहन के फूल कर सकती हो तो चोर क्यों नहीं? जरूरी तो नहीं कि वो कोई लंबा आदमी हो। थैंक्स निकी। लेकिन वो बड़े हाथ, बड़े साइज के ग्लव्स, ये देखो। क्या कर रहे थे इधर? मुझे लगा मेरी बॉल आपके कैबिन में आ गई है। एक्चुअली वो मेरी लकी बॉल है ना, उससे जब भी खेलता हूँ तो सेंचुरी मारता हूँ। दो दिनों से वो बॉल मेरे पास नहीं है तो मैं जीरो पे आउट हो रहा था, इसलिए डेस्परेट होके आपके केबिन में। अबे नहीं है मेरे पास, होती तो दे देता ना। दोबारा आया ना छोड़ दूंगा खुद। ओके पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस चलो जाओ। आदमी ने मेरे घर में चोरी की है। सीरियसली सोची, मैंने कुछ नहीं देखा। फरहान को तो एटीट्यूड दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि मैंने बाइक वाले को देखा, वरना यू नो मी, अर्जुन के निशाने की तरह अपना फोकस सिर्फ अपनी स्पीड रिकॉर्ड पर। ओके फाइन। सुची तुम लोग क्या कोई केस सॉल्व कर रहे हो? Like real detectives? हाँ, just trying to. लेकिन I'm not very good. एक शोशॉप से कुछ information निकालनी थी, वो भी नहीं कर पाई. I'm not good with people ना. क्या info निकालना है? क्यों? मैं हूँ ना. I'll do it. वो आदमी बहुत खड़ू है. No problem हो. तुम लोगों ने रोहित का दूसरा side नहीं देखा है. रोहित cricket. Cricket? खत्म हो गया। क्यों 12 नंबर का साइज का जूता नहीं रखते हो क्या? मुझे पता था मेरे जितना बड़ा पैर किसी का होगा कंबाला में। है नहीं अंकल, वो जो एक्मे फैक्ट्री का गार्ड है ना, वो भी 12 नंबर का जूता पहनता है। और वो जो लाल पहाड़ी पे 12 नंबर का बंगलो है ना, उसमें जो आदमी रहता है वो भी 12 नंबर का जूता पहनता है। अच्छा अच्छा। और क्या अंकल, अभी दो लोगों के लिए कितना स्टॉक रखेगा मैं? आप ऐसा करो, एक महीने बाद आओ, मैं आपके लिए ना स्टॉक मंगा के रखता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ बेटा। मेरा मुँह सिक्योरिटी गार्ड खांस रहा था। I'm sure it's him. वही जूते, वही खांसी और आदमी भी खतरनाक। नो यार, आई थिंक इट्स मीनाक्षी आंटी का सर्वेंट गोपी। उसके पास इतने बड़े साइज के ग्लव्स क्यों? गाइस, उसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि लाल पहाड़ी पे हाउस नंबर 12 में कौन रहता है? तू यहाँ क्या कर रहा है रोहित? चिल फरहान, आई कॉल्ड हिम हियर। बोल। वो कह रहा था कि कंबाला में सिर्फ दो लोग हैं जो 12 नंबर का जूता पहनते हैं, एक कोई सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा वो लाल पहाड़ी में हाउस नंबर 12 में रहने वाला। अरे वहाँ तो सुधाकर रहता है। कौन सुधाकर? मशीनरी सप्लायर है, जो 4 साल पहले 3 महीने के लिए किसी वजह से जेल गया था। गोपी, दिलावर सिंह या सुधाकर? यू!
फिक्र मत कीजिए मिसेस शास्त्री, आपका ये केस मैं यूं सॉल्व कर दूंगा, मैं चोर को पकड़ लूंगा। मैंने बंबई में आज तक कितने क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए हैं। अरे वो मेरे सारे जेवर ले गया, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आया कहां से और गया कहां। हम लोग तो कोई घर में ही नहीं थे, सारा घर लॉक था, और देखिए खिड़की, खिड़की भी बंद है। वही पैर और हाथ के निशान। ये बताइए मैम, आपके घर में लास्ट कौन आया था? देखिए हमारे यहाँ ग्लास का काम चल रहा है, इसलिए एक्ने ग्लास कंपनी से कुछ लोग आए थे, उनके साथ एक फिटर आया था। फिटर? हाँ, और उसके बाद शाम को कुरियर का लड़का आया था। कुरियर? हाँ, और उसके बाद एक आदमी। आदमी? वही आदमी आया था पता पूछने के लिए। हाँ बस, पर ये तो कल की बातें हैं। सॉरी सॉरी, आज तो घर खाली था। घर खाली था? हाँ। कुछ पता नहीं चल रहा। स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज केस। कंबाला में और एक रॉबरी, कंबाला में तीसरी रॉबरी। गाइस, तीसरी चोरी मिसेस शास्त्री के घर पे, और सेम सिचुएशन, हैंडप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, पर एंट्री और एग्जिट का कोई ट्रेस नहीं। सिर्फ एक्ने ग्लास फैक्ट्री से तीन लोग आए थे ग्लास फिट करने, है कौन ये? मुझे तो लगता है वो सिक्योरिटी गार्ड होगा। सुना नहीं तूने, एक्ने ग्लास फैक्ट्री से कुछ लोग आए थे कांच फिट करने, वही होगा मिस्टर 12 नंबर। आई थिंक हमें एक और राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, लेकिन अलग अलग जगह जाके अलग मिशन। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। तुम बच्चों को कोई और जगह नहीं दिखती है खेलने के लिए, अंदर आना मना है, जाओ बाहर खेलो। पर भैया, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। कौन मम्मी? मेरी मम्मी मिसेस शास्त्री।
पता है कल आपकी कंपनी के लोग ना हमारे घर पर आए थे दिन में कुछ कांच का काम करने के लिए, लेकिन भैया तो वो कांच ना टूट गया। तो क्या हुआ उसे? मतलब कम से कम कांच की एक साल की वारंटी तो होती है ना, आप ही आए होंगे ना डिलीवर करने घर पे। मैं तुम्हें डिलीवरी बॉय दिखता हूँ? डिलीवरी बॉय दिखता हूँ? ये यूनिफॉर्म नहीं देख रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं, और आज संडे है, आज बंद है, मंडे को आकर अपनी कंप्लेन लिख। आप नहीं थे तो फिर कौन था? भैया भैया प्लीज, अगर मुझे उस बंदे का नंबर मिल जाए तो। भैया एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे बहुत भड़केंगी, प्लीज भैया प्लीज। यस सर, मैं बहुत देर से ये पता ढूंढ रहा हूँ और थोड़ा गुम हो गया हूँ, मेरा मतलब है कि पूरा गुम हो गया हूँ, प्लीज बताइए ना ये कहाँ है। ईशान मेहरा 15 रोज कॉटेज पार्क लेन, ये तो बहुत दूर है, तुम गलत आ गए। अरे बाप रे, मतलब मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत देर लगेगी। सर एक फोन कॉल कर सकता हूँ प्लीज, वरना मेरा दोस्त चला जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज सर एक फोन। ये गैस की स्मेल कहां से आ रही है? कहीं आपके किचन से तो नहीं? किचन? लास्ट टाइम जब आंटी से मिलने यहाँ आया था ना, हाँ? तो मेरी एक चीज यहाँ छूट गई थी। हाँ बोलिए क्या चीज? ये इसका नाम है जग्गू, तो तू है जूता चोर। कैसे हो गोपी भैया? अरे ईशान बाबा आप यहाँ? वो मैं लास्ट टाइम जब आंटी से मिलने यहाँ आया था ना, हाँ? तो मेरी एक चीज यहाँ छूट गई थी। हाँ हाँ बोलिए क्या चीज? ये इसका राइट वाला ग्लव, शायद आपने देखा होगा। ग्रेट, दिस इज नीट। इसमें थर्ड केस की इन्फो ऐड करूं? वेरी गुड आइडिया। तब तक मैं इस कंप्यूटर के फरहान का गोडाउन भी एक कबाड़ खाना है। हेलो मॉम, एक बहुत अर्जेंट काम है। ले 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 ले। रॉकी, इस तरह सभी से दोस्ती करोगे तो चोर को कैसे पकड़ पाओगे? पॉइंट, चोरों को तो पकड़ना ही चाहिए अंकल। अंकल आपकी खांसी? पता नहीं, दो दिनों से गला खराब है। दो दिन से? लेकिन पहली चोरी तो 4 दिन पहले हुई थी। लो, ये उस फिटर का नंबर है जो उस दिन तुम्हारे घर पर गया था। इसका नाम है जग्गू। थैंक यू सर। तो तू है जूता चोर? मैं तो तभी समझ गया था। नहीं नहीं सर, जूता चोर नहीं हूँ मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा होशियार मत बन। एक हफ्ते पहले यहाँ से ऐसा ही मेरा जूता चोरी हुआ था। एक तो मेरे साइज का जूता मिलता नहीं, ऊपर से तू
सर बोल क्या करेगा जूते का सर आप गलत समझ रहे हैं एक्चुअली मेरे मेरे डैड की भी जूते की कंपनी है तो मैं देख रहा था उसी कंपनी के तो नहीं है जस्ट क्यूरियस सर सॉरी सर आप कह रहे थे वो जूतों की चोरी हुई है आपके यहाँ हाँ पता नहीं शहर वाले क्यों मेरे पीछे पड़े 3 महीने की जेल हुई थी मुझे पता है क्यों क्यों क्योंकि गलती से मेरी गाड़ी ने एक बाइक वाले को ठोक दिया था जो नो एंट्री से मेरी गाड़ी के आगे आ गया था कसूर उसका और सजा मुझे उसे कुछ नहीं हुआ और मैं अच्छा तो आप इसलिए जेल गए थे सर वो जो आपके जूते चोरी हुए उसके बारे में कुछ पूछूं प्लीज अरे उस दिन ऐसा ही दस्ताना तो हमने फेंका था अच्छा वो मालकिन का गैरेज है ना गाड़ी वाला वहां पर बहुत सारा कूड़ा करकट था तो वहां से गंदा कपड़ा लकड़ी पॉलिश और ऐसा 2 दस्ताना भी लेकिन ये सब कूड़ा कचरा गैराज में क्या कर रहा था वो पिछले हफ्ते काम चल रहा था ना वहां पर इसके लिए काम कैसा काम वो मिस्त्री का एक हफ्ते पहले की बात है मेरे घर का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने एक कारपेंटर को बुलाया उसने दरवाजा तो ठीक कर दिया पर यहां से मेरे जूते चोरी हो गए कारपेंटर नाम क्या था उस कारपेंटर का ये मिस्त्री जी कौन है अरे मिस्त्री यानी कारपेंटर ये सब उसी ने तो फेंका था वहां पर कारपेंटर सारी चोरी उसी ने की अब रोहित ही उसे पकड़ सकता है मैडम जी पुराना किल निकालना पड़ेगा ठीक है हाँ ये लीजिए मैडम हो गया थैंक यू वैसे आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं बस ऐसे ही हम लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ हम ना मिस्ट्री सॉल्व करने आए हैं मिस्ट्री थैंक यू अब पैसे आप घर से लेना पैसे की कोई बात नहीं थैंक यू मैम हेलो 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 जग्गू फिटर हाँ जी बोलिए अरे सर फिटर कहिए या कारपेंटर बात तो एक ही है शास्त्री जी के घर से गुप्ता ये सारी चोरी उसी ने की क्या हुआ वही तो है गुप्ता जी क्या चीज ओह नो सर रुक 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 वो जूते उस कारपेंटर ने ही चुराए जो सूची के घर पे था अबे आप यहाँ है वो जो अभी भागा चल पकड़ इसे हेलो फरहान यार वो फिटर को जग्गू है एक कारपेंटर मैं सोच रहा था कि
सूची के घर जो तू किधर है? मैं टर्नर ब्रिज पे। टर्नर ब्रिज? ये रास्ता भी सीधा टर्नर ब्रिज पे जाता है। अब रोहित ही उसे पकड़ सकता है। ला फोन दे। हेलो रोहित। हाँ बोल। रोहित तू एक रोप अरेंज कर सकता है? लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें एक और सीक्रेट सेक्शन भी है। हाँ मिस्टर इनविजिबल थीव गुप्ता, अब सिर्फ दो सवालों के जवाब देने तुझे। एक कि सारा माल कहाँ है, और दूसरा ये सब तूने किया कैसे? जब मैं लाल पहाड़ी वाले सुधाकर सर के यहाँ शेड का दरवाजा बना रहा था तो मैंने उनका 12 नंबर का बड़े साइज का जूता देखा और मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा इस जूते को पहन के चोरी की जाए। किसी भी आदमी का शक मेरे ऊपर नहीं जाएगा कि ये काम किसी छोटे कद के आदमी का है। अगर किसी को शक भी हुआ तो सुधाकर सर के ऊपर होता, क्योंकि वो जेल से वापस आए थे। मैंने वो जूते चुरा लिए और फिर मीनाक्षी मेम साहब के यहाँ जब मैं फर्नीचर बना रहा था तो मैंने उनका घर ठीक से देख लिया था। मैं पाइप के जरिए ऊपर चढ़ा, खिड़की खोली और अंदर पहुंचकर खिड़की बंद कर ली ताकि बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना देख सके, और मैंने चोरी की। मेरी आवाज़ सुनकर मीनाक्षी मेम साहब ऊपर आई तो तभी तो मैं किसी ने वहां देखा नहीं। और मेरे घर चोरी कैसे की? इस चोरी के बाद जब सब लोगों ने कहा कि चोर कहीं गायब हो गया है तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना अपने इस गेम को चालू रखूं, और मैंने आपके घर में काम करते वक्त अपने ठक ठक की आवाज को टेप में रिकॉर्ड कर लिया। मौका देखकर टेप ऑन करके मैं ऊपर चढ़ा। मैंने अपने ड्रिल मशीन से ग्रिल को 2 मिनट में खोल दिया और मैं अंदर घुस गया और मैंने चोरी की। चोरी करने के बाद जब मैं वापस बाहर आया तो मैंने ग्रिल को वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो पहले था, ताकि सब लोग हैरान रह जाएं। नहीं मैम साहब, किसी को नहीं देखा, लेकिन नीचे आके हड़बड़ाहट में मैं अपनी ड्रिल मशीन वहीं पर भूल गया और मैं उसे लेने के लिए वापस अपने बाइक पर आया। और तीसरी चोरी और भी आसान थी। गिलास का माल फिट करने के लिए जब हम 4 लोग वहां पर गए तो मैंने मिसेस शास्त्री को कहते हुए सुना कि वो एक दिन के लिए घर से बाहर जा रही है। तो मैं चुपके से अलमारी के अंदर छुप गया। जब घर खाली था तो मैं बाहर आया और मैंने अपना काम किया। मैंने खिड़की की ग्रिल खोली और वापस ऐसे ही जोड़ दी और मैं बाहर आ गया। चलें इसके घर। पहले इसे तो पुलिस स्टेशन छोड़ा है। Guys, we did it. Yes, yes, yes.
पर आप लोगों ने ये सब किया कैसे? सर, ऑल थैंक्स टू ईशान। सबसे पहले इसने केस को सॉल्व करना शुरू किया। लेकिन अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं गोलचक्की तक पहुंचता कैसे? हाँ, पर चोर को पकड़ा किसने? मैंने। लेकिन अगर सूची उसे बुलाती नहीं तो तू पकड़ता किसको? करेक्ट, गुड जॉब सूची। लेकिन सर, हमें असली क्लू निकी ने दिया, क्योंकि उसने हमें बताया कि चोर छोटे कद का आदमी भी हो सकता है। क्या बात है, टीम वर्क। एक हाथ की पांच उंगलियां, जो बंद हो जाए तो मुट्ठी। वाकई किड्स, आप लोगों को तो प्राइज मिलना चाहिए। सर, 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 मुझे पता चल गया है चोर कौन है। एक्मे ग्लास फैक्ट्री का गार्ड। तुम लोग यहां भी? खोलकर नहीं, इनविजिबल चोर का केस सॉल्व हो चुका है। कैसे? किसने? इन लोगों ने। इन लोगों ने? इम्पॉसिबल सर, ये लोग सर, ये कोई गोपीचंद जासूस थोड़ी ना है। नहीं, हम CIA है। CIA? हाँ, कंबाला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।